और अब देखिए बाढ़ से लड़ते भारत की एक और तस्वीर जो कि आई है बिहार से। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की बहुत बुरी मार पड़ी है। यहाँ करीब 2 लाख की आबादी पर सीधा असर इसका पड़ा है। गोपालगंज में गंडक नदी की बाढ़ ने कई घर नीम लिए। गोपालगंज में आई बाढ़ ने एक दो मंजिला मकान को ध्वस्त कर दिया तो पड़ोस के लोग अपने अपने मकान को बचाने की जुगत करने लगे। नदी किनारे मिट्टी से भरे बोरे डालकर लोग अपने घरों को बाढ़ की चपेट में आने से बचाने में जुटे हैं। ये गोपालगंज के बैकुंठपुर प्रखंड के राजापट्टी कोठी बाजार की तस्वीरें हैं। कल से मकान बगल वाला मेरे पड़ोस वाला ही मकान जो सामने दिख रहा है ढह चुका है, मगर अभी तक कोई देखने भी नहीं आया, इसलिए हम अपने बचाव के लिए अपने से सब कुछ कर रहे हैं। अभी गंडक नदी में आए उफान ने गोपालगंज के कई इलाकों में मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इस मुसीबत से लोग कैसे जूझ रहे हैं ये तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी बकरी को गोद में लिए पानी से गुजर रहा है। कई गांवों में घरों में घुटने से ऊपर तक पानी घुस गया है। गंडक में आई बाढ़ से गोपालगंज की 55 पंचायतों की करीब 2 लाख की आबादी पर असर पड़ा है। तस्वीर बिहार से। बिहार में बाढ़ ने ऐसी नौबत पैदा कर दी है कि लोग हवा में लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के सारण में जब लोगों के घर डूब गए तो लोगों ने पेड़ पर शरण ले ली। घर बाढ़ में घिर गए तो पेड़ पर खटिया डाल ली। ये चौंकाने वाली तस्वीरें बिहार के सारण के तरैया ब्लॉक की हैं। गांव में पानी भर गया तो कुछ लोगों ने इस पेड़ पर शरण ले ली। सारण में बाढ़ की स्थिति कितनी भयावह है ये इस तस्वीर से समझा जा सकता है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। कई जगहों पर बाढ़ ने सड़कें बहा दी हैं, जिस वजह से कई गांवों का ब्लॉक और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। ऐसी सूरत तरैया ब्लॉक के दर्जनों गांवों में है। ये देखिए पिपरा का ये जूनियर हाई स्कूल कैसे तालाब बन गया है। जहाँ नजर दौड़ाओ वहाँ पानी ही पानी। बिहार में बाढ़ की जो ताजा सरकारी रिपोर्ट है उसके मुताबिक बिहार में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हैं। इनमें शामिल है सीतामढ़ी, गोपालगंज, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, खगड़िया और समस्तीपुर। बाढ़ से बिहार में कुल प्रभावित प्रखंडों यानी ब्लॉक की संख्या 101 है। बाढ़ से प्रभावित पंचायतों की संख्या 837 है। बाढ़ से बिहार में कुल आबादी जो प्रभावित हुई है वो 29,62,000 के आसपास है। तो बिहार में बाढ़ से अब तक कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें पश्चिम चंपारण में 4 और दरभंगा में 4 लोगों की जान गई है। तो बिहार में किस तरीके के हालात हैं बाढ़ की वजह से ये हम आपके सामने रख रहे हैं। बाढ़ से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें पश्चिम चंपारण में 4 लोगों की, दरभंगा में भी 4 लोगों की मौत हो चुकी है। और राहत बचाव कार्य में लगी हुई टीम्स की बात करें तो 26 टीमें इस कार्य में लगी हुई हैं। इनमें NDRF की 17 टीमें हैं और SDRF की 9 टीमें शामिल हैं। कुल मिलाकर बिहार में जो बाढ़ के हालात हैं 101 ब्लॉक में और 12 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने बिहार की हमने लिखी, क्योंकि बिहार में वाकई बहुत बुरा हाल है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।